अभी साथी बैठ जाए, आप लोग खड़े हो बैठ जाओ भैया। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों आदिवासियों गरीबों मुस्लिमों को राजनीति में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहेब एवं बहुजन समाज के साथ साथ में स्थल समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज की ये धौलपुर की सभा में जो आज एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हम लोग धौलपुर से प्रदेश के अंदर व्याप्त अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक हम यात्रा निकाल रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के अवसर पर, शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित डायनामिक लीडर युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, साथ ही हमारे बीच में हमारे गार्जियन के रूप में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री आनंद कुमार जी, साथ ही केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्या जी, प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश प्रभारी सुमरत जी, प्रदेश के प्रभारी विजय बैरवा जी, प्रदेश प्रभारी रामजीवन बौद्ध जी, प्रदेश प्रभारी पंकज मीणा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल जी, हरि सिंह तनगुरिया जी, करण सिंह भंडारी जी, अमर सिंह बंसीवाल जी, मोहन सिंह गुर्जर जी, साथ ही यहाँ पर पूर्व प्रधान धौलपुर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी, उपेंद्र दत्त शर्मा जी प्रबंधक उमा दत्त पब्लिक स्कूल, रितेश शर्मा जी पूर्व चेयरमैन नगर परिषद धौलपुर और प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी धौलपुर, साथ ही पूरन सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा महासभा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में यहाँ पर उपस्थित तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज आप सभी लोग जो ये भारी संख्या में उपस्थित हुए और ये आगाज है कि आने वाला 2023 ये सत्ता में बैठी सरकार जो दलितों गरीबों और पिछड़ों पर अत्याचार रोकने में नाकाम साबित हुई है उसको उखाड़ फेंकने का आगाज है ये, और 100% ये बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में ये 2023 में ऐसी निकम्मी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हम सब लोग। और यह आज अंगड़ाई है और आज से शुरुआत हो चुकी है, ये 16 अगस्त से हम लोग चल करके 29 अगस्त तक जयपुर में इस पूरे मार्च को निकालेंगे जो हम पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जगहों पर जाकर के विभिन्न गांव के अंदर जाकर के रुकने का काम करेंगे। और आप सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार आज प्रदेश के अंदर चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो चाहे गरीब हो चाहे सर समाज का गरीब हो उन पर अत्याचार आए दिन होता है, उन अत्याचारों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। और यही नहीं NCERB का रिकॉर्ड भी कहता है कि राजस्थान धीरे धीरे अव्वल नंबर पे आता जा रहा है अत्याचार के मामले में बलात्कार के मामले में। और यही नहीं यहाँ के मंत्री और विधायक गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते हैं खुलेआम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना ये जनता है, इनके पास एक ताकत है वोट की ताकत है, और जो वोट की ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन गरीबों को देने का काम किया है और इसी वोट के जरिए इन सरकारों को खाने का
फरमान भी है कि आप सभी लोगों को आने वाले समय में 2023 में ऐसी सरकारों को उठा करके अलग करना है जो गरीबों की सुनती नहीं है, जो दलितों की सुनती नहीं है, जो आदिवासियों की सुनती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों की सुनती है, सिर्फ बड़े बड़े रईसों की सुनती है, ये गरीबों के लिए काम नहीं करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली, राहत कैंप की बातें करते हैं कि राहत कैंप पे महंगाई कैंप की बातें करते हैं, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 100-200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे आप उस वक्त कहां चले गए थे जब आपकी सरकार जाने वाली है? 4.5 साल बीत गए तो आप तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन आप 4.5 साल न किसानों के लिए कोई योजना लेकर आए, न परीक्षाओं के लिए कोई योजना लेकर के आए, न छात्रों के लिए कोई योजना लेकर के आए, न गरीबों के लिए कोई योजना लेकर के आए। लेकिन जब चुनाव आ गया तब आप कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर फ्री करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है, और इस बार ठान लिया है कि नीला झंडा हाथी निशान जयपुर जाने वाला है, आप रोक नहीं पाएंगे। आज यहाँ ब्राह्मण समाज के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं पिछली बार जब रितेश शर्मा जी की ज्वाइनिंग कराने के लिए आया था उस वक्त भी तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए थे, और ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुद ये सता नारा लगा दिया था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी जयपुर जाएगा। ये आप सभी लोगों ने उस वक्त बोलने का काम किया था, और मुझे आज भी एहसास है यह तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बैठे हुए हैं, और आज एक एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि आने वाले समय में बीएसपी काली नहीं सत्ता में भागीदारी बनेगी, बड़ी ताकत लेकर के 2023 में नीला झंडा जयपुर लेके जाने का काम करेंगे। क्योंकि समय बहुत हो गया है, अब हम सभी लोग जिनका हमें सबको बेसब्री से इंतजार था, हम उनको समय पूरा देते हुए अब आप सभी लोग हमारे युवा नेशनल क्वाइंटर डायनामिक लीडर आकाश आनंद जी को सुनने का काम करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पूरे देश के अंदर गांव गांव में जाकर के सर्व समाज में, गरीब समाज में राजनीतिक जागृति पैदा कर रहे युवाओं के हृदय सम्राट युवा नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी से कि आप हम सबको संबोधित करें, और माननीय आकाश जी के सम्मान में जोरदार नारे लगा करके हम उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आनंद कुमार जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आनंद कुमार जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, माननीय आकाश आनंद। जय भीम साथियों, थक गए आप सब? नहीं नहीं, लग रहा है जय भीम से लग रहा है थक गए आप सब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप हमारा, है ना? जय भीम साथियों, हाँ जान है अभी भी बसपा में, कितनी जान है बसपा में, कितनी जान है बसपा में, जयपुर को हिला दे क्या, हिला दोगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे जयपुर को हिला दोगे। इतनी खुशी हुई आज हमारी बहनों माताओं को देख के यहाँ पे, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, बहुत दूर दूर से आप सब आए हैं, तो अपनी बात शुरू करता हूँ। जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों
जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां भी काफी बड़ी संख्या में मीडिया बंधु आए हुए हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज मैं क्या आप सबसे एक दिल की बात कह सकता हूं? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। ठीक है साथियों, अब जो मैं कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर और मान्यवर साहब के बताए तरीकों की तरह और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल से और दिमाग से अपनाना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? आधे हाथ उठे हैं, आधे लोग नहीं मानते। तो मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों घबराते हो तुम? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब। कभी ना झुकना, कभी ना रुकना। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। क्यों? तो आज मैं कहता हूं कि बना लो एक पहचान निडर समाज की, बना लो एक पहचान ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी, ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा। अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल आर ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड। आइए भारत के इस संस्करण की कल्पना करें। बाबा साहब किस तरह का भारत चाहते थे? जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत।
हकीकत तो ये है कि आज यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वह सर्व समाज विरोधी है, सिर्फ बहुजन समाज नहीं सर्व समाज विरोधी है। क्यों? जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर यही कांग्रेस सरकार ने वादा किया था महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, अब जब राजस्थान में चुनाव कुछ ही समय में आ रहे हैं, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी एवं उनके सभी नेता फिर से आपके बीच में आने वाले और यही किस्म के वादे दोबारा दोहराएंगे। पर हकीकत साथियों भूलिएगा मत, हकीकत तो ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई। साथियों हकीकत तो ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना दे पाई। साथियों हकीकत तो ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दे पाई है ये कांग्रेस सरकार तो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को धोखा दिया है इस कांग्रेस सरकार ने। हमारी बहन बेटियों को सिर्फ दुख और दर्द दिया है इस कांग्रेस सरकार ने, हमारे युवाओं को सिर्फ झूठा भरोसा। साथियों समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों हकीकत तो यह है कि यहां की कांग्रेस सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा ना दे पाई, शिक्षा तो दूर। सिर्फ पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके केस दर्ज किए गए, चाहे वो एक महिला के खिलाफ के साथ गैंगरेप और मर्डर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, चाहे वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोटकर उसकी हत्या करने का केस हो, ऐसे लाखों केस रोज आप लोग सुनते हैं। साथियों जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाई उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री जी जो झूठ और धोखा आपने यहां आज इस गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं ना हम भूले हैं और ना हम भूलने देंगे। क्यों साथियों भूल गए क्या ये सब? भूलने दोगे इनको? आएंगे वोट मांगने क्या याद दिलाओगे? दिया धोखा इन्होंने आपको, 4.5 साल धोखा दिया, अब 5-6 महीने बचे हैं और बता रहे हैं कि फ्री में आप सिलेंडर ले लो। साथियों मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं इस बात से क्योंकि बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और वो यहां अकेले राजस्थान का हाल नहीं बल्कि हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर इसी तरह की मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और साथियों ये मत समझिएगा कि कांग्रेस अगर बदमाश है